एपिसोड 14 की शुरुआत होती है मोटे से, जो कि प्लेग्राउंड में आ जाता है, वहाँ पे आराम से अपना जॉगिंग कर रहा है और उसके दिमाग में वही सारी बातें सुझाई दे रही है, मतलब उसके दिमाग में वही सारी बातें आ रही है जो उसकी पिछले एपिसोड में उस लड़के ने कहा था कि हाँ भाई उसने सच में मेरी बहुत बेइज्जती की थी। हाँ भाई बेइज्जती की थी उतना भी, भाई इतना मतलब मैं बुरा नहीं हूँ, जितनी बेइज्जती उसने की थी उतना बुरा भाई मैं पिछले बार था जब मरने से पहले मैं जिंदा हुआ था ना, उससे पहले भाई जब मैं मरा नहीं था उस समय भाई मैं उतना बुरा था, लेकिन भाई जैसे मेरी जिंदगी मतलब मैं वापस जी मतलब मैं वापस जिंदा हुआ ना भाई, उसके बाद मैं पूरी कोशिश की खुद को भाई मैं इंप्रूव करूँ। लेकिन भाई ये बात तो लोगों को नहीं ना मालूम कि हाँ भाई मेरी जो दो जिंदगी थी, पहली जिंदगी में मर गया तो उस जिंदगी बेकार था, इसमें मैं खुद को इंप्रूव कर रहा हूँ। लेकिन भाई लोगों को तो लगे भाई मैं पुराने वाला मोटा बेकार भद्दा सा आदमी हूँ जिससे कुछ नहीं हो सकता, खाए दिन भर खाना पी लेगा और ऐसा बैठा रहेगा, तो मतलब लोग ऐसा सोचेंगे ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो लोग अगर मुँह मुझे बंद करना ना तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यही भाई मेहनत करना पड़ेगा, इंप्रूव खुद को करना पड़ेगा और दिखा देना पड़ेगा कि हाँ भाई जितना तुम लोग बुरा समझते हो ना उतना बुरा मैं नहीं हूँ। इसलिए भाई पूरा जोश लगाओ और भाई करो अपना जॉगिंग कंटिन्यू करता है तो उसका सिस्टम में सही आवाज आता है कि हाँ भाई आपने इतना टारगेट पूरा कर लिया तो आपको इतना इनाम मिलता है। क्योंकि भाई उसका जो है ना 10,000 किलोमीटर वाला वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वो मिशन वो अभी भी है, तो भाई उसे पूरा करना तो करता है, देखता है कि हाँ भाई चलो एक और टारगेट पूरा हुआ, तो ऐसी भाई कोशिश और मेहनत करें तो धीरे धीरे चल के पूरा का पूरा टारगेट पूरा होगा। और जो यहाँ पे ना अपने सिस्टम से ना सारी चीज़ें देख वो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई कल के मुकाबले भाई आज मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सबसे पहले भाई मेरी शुरुआत होती है 1 किलोमीटर से, उसमें भाई मुझे बहुत टाइम लगा था, 20 मिनट लगे था, बाद में अच्छे से इंप्रूव हुआ, 26 में भाई मैंने 2 किलोमीटर कर लिया था और भाई आज भाई मैंने 3 किलोमीटर कर लिया भाई 20 मिनट के अंदर, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। इतना कमाल का इंप्रूवमेंट हुआ था भाई मैं क्या बताऊँ, जब मैं पहली बार मतलब मरने से पहले भाई उस समय मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था, लेकिन भाई अब मैं पॉसिबल हो चुका है और इस भाई मेरा स्पीड भी थोड़ा सा प्लस हुआ है, हाथ का स्पीड नहीं पैर वाला इस बार स्पीड प्लस हुआ है, क्योंकि जैसा इसका एक टारगेट पूरा हुआ था ना उसके बाद से भाई इसका ना थोड़ा सा स्पीड ना 1 का प्लस मिला था, तो खुश तो रहेगा कि हाँ भाई खुश है। और उसका दिन अपना कंटिन्यू करता सोचते कि हाँ भाई इतना हो गया तो भाई हार नहीं मानने का, करने का भाई करने का, हार बिल्कुल नहीं मानने का, एक बार मतलब एक टारगेट पूरा तो भाई बैठने जाने का सीधे करने का, अभी आगे और टारगेट पूरा करना है। अब भागते भागते ना इस खुद को ना देखते कि हाँ भाई जो मेरा स्पीड 1 का प्लस हुआ ना भागने वाला वो भी सच में सदार है, पहले से थोड़ा सा मेरा स्पीड बढ़ चुका है भाई, आराम भी पहले से मिल रहा है, पहले इतना आराम भागने में नहीं फील होता था लेकिन अभी है ना भाई अभी मिल रहा है। और ऐसे भागते भागते ना पूरा उसके दिमाग में उसका सिस्टम उसका मिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें ना सब कुछ आने लगता है कि हाँ भाई भागने वाला भाई वो होना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे है ना भाई हार ना मान के मैं करूँगा तो भाई एक दिन तो भाई हो जाएगा। और उसके बाद मुझे दूसरा भी मिशन मिला था साथ ही में लाइव स्ट्रीम करने वाला, लाइव स्ट्रीम करने वाला मिशन मुझे मिला है तो भाई मैं कर सकता हूँ। और भाई उसमें और कुछ नहीं करना बल्कि पेंटिंग ही करना है, और पेंटिंग भाई जो मेरा हाथ का स्पीड है भाई वो पहले से तेज हो गया भाई, और पेंटिंग मुझे पहले से आती थी, हाथ का स्पीड जैसे तेज हो गया मैं फटाफट ना भाई पेंटिंग बना सकता हूँ, तो भाई वो मिशन करना भाई उतनी मतलब ऐसा आसानी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, खाली मुझे मिशन मतलब मुझे पेंटिंग करना है, अगर लोगों को अच्छा लगा तो भाई ना ज़्यादा व्यूज आएंगे, और जैसे ज़्यादा व्यूज आएंगे तो भाई दिए चलेगा ना, वो जो मिशन है ना वो मिशन अपने आप पूरा हो जाएगा। और मिशन पूरा ये सब कुछ करूँ तो भाई ढेर सारे मुझे पॉइंट मिलेंगे जिससे अच्छी चीज़ें खरीद सकता हूँ। इसके अलावा भाई देखो जो लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा लोग आएंगे तो भाई जैसे लोग अच्छा लगे लोग सुपर चैट भी देंगे और पता नहीं क्या क्या गिव अवे भी करेंगे मुझे, हाँ भाई ऐसे नहीं बल्कि लोग इसे गिव अवे करेंगे और सुपर चैट देंगे तो पैसे वहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा ना जैसे मिशन पूरा होगा उसमें से भाई चार्म की एबिलिटी मेरी है मतलब ये हैंडसमनेस का उसका मिलेगा, उसके अलावा भाई भागने वाला मिशन करेंगे तो भी ऊपर से लाइव स्ट्रीम वाले से ना भाई स्ट्रेंथ का इंडोरेंस का ये सभी मतलब इंसान का जो पावर है ना उसका भी थोड़ा थोड़ा एबिलिटी प्लस होगा, मतलब एंड में मैं कहने का यही मतलब कि सारे सबमिशन कर लूँगा तो एंड में थोड़ा थोड़ा कि भाई मैं कमाल का बंदा बन जाऊँगा भाई, ब्यूटी का भी पावर मिलेगा, चार्म का वही ब्यूटी का और चार्म का मतलब पावर मिलेगा, इसके बाद स्ट्रेंथ का मिलेगा ही, स्पीड वगैरह का मुझे मिल ही चुका है, मतलब किसी सुपर ह्यूमन से भाई मैं कम नहीं रहूँगा, एकदम राज वाली फीलिंग लेके भाई मैं आराम से जिंदगी जीऊँगा। उसका दूसरे स्टूडियो में आ जाता है जहाँ हमेशा ड्राइंग बनाता है, पेन पेंसिल सब कुछ लेकर आ चुका, पेपर वगैरह कलर सब लेकर आ चुका, मोबाइल भी अपने लेकर आ गए क्योंकि अब इसने ठान लिया कि हाँ भाई मैं भी अब लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो लाइव स्ट्रीम भाई ऐप चेक करके हाँ भाई कौन सा ऐप ठीक रहेगा, ये वाला ऐप ठीक रहेगा या वो वाला ऐप ठीक रहेगा, क्योंकि भाई इनके मतलब यहाँ ना यूट्यूब है ना चाइना में यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहा तो भाई इनके यूट्यूब को बदले ना भाई दूसरा कुछ ऐप है, और भाई स्ट्रीम करना है तो उसके लिए जैसे ट्विच हो गया उस टाइप का भाई ढेर सारे ऐप वगैरह, तो देखते कि हाँ भाई कौन सा ठीक रहेगा ये वाला वो वाला, और एंड में डिसाइड कर लेते कि हाँ भाई ये ठीक रहेगा। लेकिन भाई आज के दिन भाई मैं ड्राइंग क्या बनाऊँ, मतलब आज पहला दिन है, पहले दिन भाई कुछ ऐसा कमाल का होना चाहिए, किसी ऐसे बंदे या फिर बंदी का बनाता हूँ जिसके बारे में लोगों को पहले से नॉलेज रहेगा ताकि ज़्यादातर बंदे ना अट्रैक्ट हो सके कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ, मैंने इसको ना इस एनिमे का ना देखा हूँ या फिर इस मूवी का ना देखा हूँ, ये सच में रियल लग रहा है, कमाल का लग रहा है, लोग तारीफ करेंगे, तो इसलिए भाई कुछ ऐसा फैमिलियरी बनाता हूँ और सोच लेते कि हाँ भाई चलो भाई ये मैंने सोच लिया इसका मैं बनाऊंगा, और अपना मोबाइल अच्छे से प्लेस कर देता है ताकि इसका जो भी ड्राइंग वगैरह बनाएगा ना वो आराम से दिखेगा, और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। तब सोचता है कि हाँ भाई लेकिन लाइव स्ट्रीम देखेगा कौन भाई, मेरे पहली बात मेरा कोई फॉलोअर वगैरह है ही नहीं, तो मैं भाई बहुत सारे ग्रुप में पहले से ऐड हो चुका हूँ, इसलिए काम करता हूँ लाइव स्ट्रीम वाइज भाई जो लिंक है ना सारे ग्रुप में जितने में पहले से ऐड होना भाई उसमें सेंड कर देता हूँ, भाई कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो भाई अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करेगा,
जाएगा, उसके बाद और भी आ जाएगा, उनको भी अच्छा लगे तो भाई और लोगों के साथ शेयर करो तो भाई और भी बंदे आ जाएंगे। इसे ग्रुप में सारे बंदे को शेयर कर देता है अपना, वो लगा के फिर स्टार्ट कर देता है और तुरंत ही नोटिस करते हैं कि हाँ भाई काफ़ी सारे लोग हैं आ चुके, मतलब जितने को शेयर किया था ना उनमें से मैक्सिमम बंदे आ चुके, तो इसको शेयर करें कि हाँ भाई मोटे कमाल की बात है भाई, कर भाई हम भी तेरा लाइव स्ट्रीम देखेंगे। ये मोटा भी देख के खुश किया भाई, सच में क्या सच में भाई लोग मतलब चैट में लिख रहे कि भाई शाबाश मोटे कर सकता है कर ले, वो तो भाई मैं कर लूँ बल्कि भाई लोग मुझे शेयर कर रहे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे भाई मुझे भी याद आया मैंने इनको प्रपोज मारा था, प्रपोज मारने को था मैंने इनको सॉरी भी बोल दिया था, जिस कारण शायद यार मतलब सॉरी बोलने के लिए मेरे पैसे भी देते रेट पैकेट, तो भाई खुश हो चुके हैं, सोच रहे होंगे कि हाँ भाई चलो मोटे को भी शेयर कर देते, कोई बात नहीं शेयर तो भाई कर रहे ना, तो चलो भाई अपना काम शुरू करते हैं हम लोग पेंटिंग वगैरह का। और अपना पेंटिंग धीरे धीरे करके बनाना चालू कर देता है, उसका हाथ का स्पीड हमें मालूम है कितना तेज है, फटाफट पूरा हाथ से बनाता है। जो देखो सब लोग चैट में लिख रहे हैं हाय इतना तेज भाई, काफ़ी सारे बंदे जानते हैं मोटे को, कुछ कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम है कमाल का तेज है। एक बार चूड़ा टीचर का होमवर्क इसने भाई आराम से 3 दिन में कर लिया था, ढेर सारे इसने बना दिया था। कुछ लोग नए थे जिनको नहीं मानते, कहता भाई कौन है भाई इतना तेज को कैसे बना सकता है। मुझे लगता है भाई इसने अपने हाथ से ना बाथरूम में बहुत ज़्यादा शेक किया, जिसका भाई इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे सब लोग बातें करने लगते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे पेंटिंग तैयार करता है, पेंटिंग को देखकर अपने चैट में कुछ अपने हिसाब से लिखे कि हाँ भाई पेंटिंग तैयार कर लिया किसका किया, उसका आधा कंप्लीट होता कहते कि हाँ भाई ऐसा लगता है भाई किसी का, मतलब मैंने देखा है पेंटिंग को, उसके बाद थोड़ा सा और पूरा तैयार करता है, तो उसके बाद भी सब लोग उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से पेंटिंग तैयार धीरे धीरे किया जा रहा है ना उस हिसाब से ना वहाँ पर लिखने लगते हैं, एंड में काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। तो लोग कहते हैं अरे भाई ये वाला करेक्टर भाई मैंने देखा है, इस वाले मानुआ में ये करेक्टर आए हैं कितनी कमाल कितनी हॉट है। यहाँ पे मोटा कहता है भाई रुको जरा सब्र करो, अभी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी चीज़ें बनाना बाकी है। तो उसे पूरा करता है, वो अच्छे से पूरा शेडो डालता है, अच्छे से पूरा डिटेल है ना छोटे से छोटे डिटेल को भाई अच्छे से मेंशन करता है। जो देखे लाइव स्ट्रीम में लोग पागल हो जाते हैं, और भी लाइव स्ट्रीम में ना बंदे बढ़ जाते हैं, सब लोग पागल हुए जा रहे हैं, ऐसे सुपर चैट भी देते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और सब लोग पागल आए हाय क्या बना दिया भाई, मज़ा आ गया भाई इतना कमाल का ड्राइंग, मज़ा ही आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे मोटा कहता है भाई रुको यार अभी मेन चीज़ तो बाकी कलर, कलर तो भाई किया नहीं भाई मेन तो कलर भाई, कलर एक बार अच्छे से डिटेल में करने दो फिर तो भाई देखो तुम्हारी फट के तुम्हारे हाथ आ जाएगी। तो अच्छे से पूरा कलर भर के ना पूरा डिटेल में कर देता है वो आपके सामने, देखिए भाई इसने एंड में ये ड्राइंग तैयार किया है। जो देखे लाइव स्ट्रीम के सारे बंदों में ना भाई फट के एकदम चौसर के, अरे बाप रे क्या बना दिया भाई, क्या रियल लग रहा भाई सच में यार, मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करूंगा, अपनी जीएफ को शेयर करूंगा, एक से भाई मेरी जीएफ है नहीं तो भाई मैं किसको शेयर करूं, कोई बात नहीं कमीने दोस्त है कमीने दोस्तों को शेयर करता हूं। और लाइव स्ट्रीम में भाई व्यूज वगैरह भी बढ़ जाते हैं, यहां पे मोटा भी खुश की ये मजा आ गया यार ये हुई ना बात, ऐसे करके भाई और भी व्यूज आओ भाई मजा ही आ जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफान, मैंने सोचा ही नहीं।